नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने में कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप एक मेडिसिन शॉप या फिर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना होता है। बिना इसके आप अपनी मेडिसिन शॉप या फिर मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितना खर्च आएगा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जो भी खर्चा आता है ये ढेर सारे प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है और एक एक फैक्टर क्या है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल स्टोर रिटेल ड्रग लाइसेंस का खर्च कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें से महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप यहाँ पे पहली लाइन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, शॉप या फिर दुकान आपकी निजी है, माता पिता की है या फिर किराए पे लेना होगा। अगर किराए पे है तो अपने उस लोकेशन के अनुसार किराया आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास दुकान पहले से है, आपके पेरेंट्स की है, तो आपको उसका किराया नहीं देना पड़ेगा, इस तरह आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर आप किराए पे दुकान लेकर अपना मेडिसिन शॉप खोलना चाहते हैं तो जो भी आपका लोकेशन है, जो भी एरिया है, वहाँ पे क्या रेंट चल रहा है, क्या वहाँ पे किराया चल रहा है, इसके अनुसार आप उसका खर्च जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि खुद की दुकान, अगर माता पिता की दुकान है तो किराया का खर्च एडवांस पैसा आपको नहीं देना होगा और ये खर्च आपका बच जाएगा। तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला फैक्टर देखते हैं। तो देखिए इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है वो होता है रेक काउंटर लगाने का। तो जो भी आपका दुकान है, जो भी आप अपना मेडिसिन शॉप खोलने वाले हैं, मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, उसमें आपको कुछ रेक काउंटर लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास रेक काउंटर पहले से है या फिर अगर आप उसको सेकेंड हैंड लेते हैं या फिर अगर आप उसको नया बनवाते हैं, तो जो भी आपका एरिया है वहाँ पे कितने में बन रहा है, क्या खर्चा आएगा, आप इसको अपना जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला फैक्टर क्या है। तो इसमें लिखा है कि अगर आपके पास फ्रिज पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा आपको नया फ्रिज लेना पड़ेगा। तो जो भी मेडिकल स्टोर होता है, मेडिसिन शॉप होता है, उसमें एक फ्रिज आपको रखना होता है और बिना फ्रिज के आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आपको एक फ्रिज लेना होगा। तो अगर आपके पास फ्रिज पहले से है तब तो ठीक है, अन्यथा आपको नया फ्रिज लेना होगा। तो आपको मार्केट में नया फ्रिज 10 से 12,000 रुपये का बड़े आराम से मिल जाएगा। तो अभी हमने फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 और फैक्टर 4 के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब चलिए इसके बाद का जो फैक्टर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये सबसे मेन फैक्टर होता है, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया है, बैचलर फार्मेसी किया है, तब तो ठीक है। और अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपको किसी दूसरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिग्री लगानी होगी, तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। तो आपको कितना पैसा देना होगा आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो इसका भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी डिग्री लगा के आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला फैक्टर देखते हैं। तो जब आप रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं और उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आपको दुकान का नक्शा और कुछ दूसरे एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं। तो इसका खर्च आप करीब 1500 से 2000 रुपए आप इसको मान सकते हैं। अब चलिए अब इसके बाद का जो फैक्टर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि रिटेल ड्रग लाइसेंस मेडिकल स्टोर की सरकारी फ़ीस 3000 रुपए है। तो अगर आप रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने की सोच रहे हैं तो इसकी फ़ीस जो है वो 3000 रुपए है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी सरकारी काम सरकारी फ़ीस में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको अपने ज़िले में पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे रिटेल ड्रग लाइसेंस देने के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ मेन फैक्टर होते हैं। उसके बाद जो अगला फैक्टर है, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद आपको अपने स्टोर में कितना स्टॉक रखना है, ये आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका सेल है आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टोर में अपना स्टॉक रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।